वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए राइस रेसिपी लेके आई हूँ जो चावल प्रेमियों को बहुत ही पसंद आएगा। इसका नाम है लेमन राइस। तो ये जितना अच्छा दिख रहा है उतना ही इजी इसे बनाना है। तो आप सबको हम आज बहुत ही आसानी तरीके से इसे बनाना बताएंगे, जिससे बच्चों के टिफिन में और लंच में या डिनर में आप इसे खा सकते हैं और इसे खाना भी बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और यह कम समय में बन जाता है। इसे आप टिफिन में, लंच में, डिनर में या ब्रेकफास्ट में इसे आप खा सकते हैं। तो ये देखिए, खिले खिले ये लेमन राइस आप सबको बहुत ही पसंद आएंगे। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने 1.5 गिलास चावल ले लिया है। चावल आप छोटा बारीक जो आप घर पर नॉर्मल यूज़ करते हैं उसका ही बनाएं, उसका ही बहुत टेस्टी बनेगा। बिरयानी चावल या पुलाव वाले चावल का उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप घर पर जो बारीक चावल, महीन चावल, छोटा चावल यूज़ करते हैं उसी से बनाएं। तो चावल को धो लिया है और आप धुलने के बाद इसे चावल को पका लेंगे। अगर आपके पास बासी बचा हुआ चावल है तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास चावल में 2 गिलास पानी लिया है। जिस गिलास से हमने चावल नापा था उसी गिलास से ही हमने पानी भी ले रहे हैं, या फिर अपने हिसाब से आप चावल बनाएंगे। चावल चिपका हुआ या गीला नहीं होना चाहिए। कुकर को बंद करके चावल को पका लेंगे। तो चलिए अब हम आगे की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर एक कलछी सरसों का तेल लेंगे। सरसों का तेल लेने से जो राइस बनती है वो बहुत ही टेस्टी बनती है, तो सरसों का ही तेल आप यूज़ करेंगे। चावल यहाँ पे पक गया है, तो जब तक तेल गर्म होता है तब तक हम चावल को थोड़ा सा ओपन करके और चला करके रखेंगे, जिससे थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। ठंडा चावल रहेगा तो ज़्यादा ही अच्छा बनेगा। तो चावल को साइड में कर दिया है। 1 चम्मच जीरा डालेंगे तड़के के लिए, 1 चम्मच राई लेंगे, 1 चम्मच उड़द की दाल तड़के के लिए लेंगे, 1 चम्मच चना की दाल लेंगे और फ्लेम धीमा ही रहेगा। 2-3 लाल मिर्च लेंगे। यहाँ पर 1 कटोरी हमने मूंगफली दाना लिया है और काजू भी आप डाल सकते हैं, काजू ऑप्शनल है। अगर आप काजू पसंद करते हैं तो काजू भी डालेगा, उससे भी टेस्ट अच्छा आएगा। और इन्हें हम धीमे आंच पर ही चलाते रहेंगे। यहाँ पर 2 नींबू लिया है और 2 नींबू का रस हम अच्छे से निकाल लेंगे। तब तक यहाँ पे मूंगफली चटक जाएगी। हम धीमे आंच पर ही इसे चलाते रहेंगे और कड़ी पत्ती इसमें डाल देंगे। कड़ी पत्ती थोड़ी ज़्यादा डालेंगे, टेस्ट अच्छा आता है। फ्लेम धीमा ही रहेगा। और इस लेमन राइस में एक खास बात यही है कि इसमें आपको लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। तो अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आपके लिए चावल और भी बेस्ट रहेगा। यहाँ पर मूंगफली भी पक गई है, तो ये जो नींबू का रस निकाला था ये हमने डाल दिया पानी में। और उसी कटोरी से हम करीबन 3-4 कटोरी पानी लेंगे और उसी तड़के में ही डाल देंगे और मीडियम फ्लेम कर देंगे। बस इसको चलाते रहेंगे। यहाँ पर 3 हरी मिर्च लिया है, नमक टेस्ट अनुसार डालेंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इन सब को हम केवल 1 से 2 मिनट तक ही मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो ये पक चुका है, अब इसमें हम राइस डालेंगे। राइस यहाँ पे ठंडा हो गया है क्योंकि ठंडी राइस ही चावल डालनी है, इससे अच्छे से मिक्स हो जाता है। गरम चावल थोड़ा सा खिला खिला नहीं आता है, तो चावल को ठंडा करके ही हम मिक्स करेंगे। तो चावल ठंडा हो गया था तब हमने यहाँ पर मिक्स कर लिया और अच्छे से इसे मीडियम आंच पर हम चलाते रहेंगे। इसे सारा तड़का अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आप देखिए कितना चावल कितना बढ़िया सा खिला खिला सा लग रहा है। और यहाँ पर हल्दी डालना मैंने बताना बोल दी थी, थोड़ी सी हल्की सी हल्दी डालनी है जिससे इसका कलर थोड़ा अच्छा आता है।
तो बस यहाँ पर चावल मिक्स हो गया है और ज़्यादा मात्रा में हम यहाँ पर हरी धनिया डालेंगे और बस आपका ये लेमन राइस तैयार हो गया है। और सर्व करते समय इसमें थोड़ा सा नींबू आप डालकर तब आप सर्व करिएगा। तो आप देख सकते हैं चावल कितना बढ़िया तैयार हो गया है और आप इसे जब खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो आप इस राइस के साथ रायता आप खाइए या फिर सब्जी की तो वैसे ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप रायता के साथ खाएंगे तो ये चावल बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसे बच्चों के टिफिन में भी आप दे सकते हैं, बच्चे भी खुश होकर ज़रूर खाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप सब ज़रूर बताइएगा और रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब आप सब कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है और नया वीडियो हम भी अच्छे से बनाते हैं। चावल में बहुत ही खुशबू है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। आप सब पास में होते तो ज़रूर खिलाते। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।